सीबीआई ने जिन चार लोगों को, जिसमें दो ममता सरकार के मंत्री थे, गिरफ्तार किया था, उन चारों को जमानत मिल गई। इस वक्त की बड़ी खबर, आज ममता सरकार के दो मंत्रियों समेत सीबीआई ने जिन चार लोगों को, टीएमसी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था, उन चारों को अब जमानत मिल गई है। नारदा केस में इन चार लोगों की गिरफ्तारी आज हुई थी और चारों आरोपियों को अब जमानत मिल गई है, जिसमें बड़ा नाम फरहाद हाकिम का, तो फरहाद हाकिम को भी जमानत मिल गई है। साथ ही मदन मित्रा, शोभन चैटर्जी और सुब्रत मुखर्जी। तो फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी, इन चारों को गिरफ्तार किया गया था और इन चारों को शाम होते होते जमानत मिल गई है। सियासत जमकर गरमाई इस पूरे मामले पर। आज हमने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में ही डेरा डाले रही और सीबीआई दफ्तर के बाहर कोलकाता में टीएमसी के समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। इसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो दरअसल बदले की राजनीति कर रही है। इसी मुद्दे पर और बातचीत के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। कुंतल, चारों को जमानत मिल गई है? चारों नेताओं को जमानत मिल गई है, सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी को, और कल्याण बैनर्जी जो इन नेताओं के पक्ष में ये केस लड़ रहे थे, उनका कहना था कोर्ट में कि फरहाद हकीम और मदन मित्रा जैसे जो नेता है वो कोरोना काल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो जो काम वो कर रहे हैं कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम से जुड़े, उसके लिए उनको बाहर रहना ज़रूरी है, और क्योंकि चार्जशीट पेश कर दिया गया है तो अभी क्या ज़रूरत है उनको हिरासत में लेने का या 14 दिन का जेल कस्टडी का, ये सवाल उन्होंने उठाया था। और सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि चारों ही जो नेता है काफ़ी प्रभावशाली है, और इसका आज उदाहरण देखने को मिला था ये सीबीआई के दफ्तर के बाहर, यानी कि जहां आज इनको यहां लिया गया था निज़ाम पैलेस में, तो इसीलिए सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि उनको जेल कस्टडी में भेजा जाए 14 दिनों के लिए। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, कुंतल चक्रवर्ती, जिस तरीके से सुबह सीबीआई गिरफ्तार करती है, दिन भर इस पूरे मामले पर सियासत होती है, शाम होते होते चारों नेताओं को जमानत मिल जाती है, ये तो सीबीआई के लिए फिर बड़ा झटका हुआ ना कि सीबीआई ने इतने हाई प्रोफाइल मामले में इतने सालों के बाद चार नेताओं को गिरफ्तार किया और शाम होते होते उनको जमानत भी मिल गई। निश्चित तौर पर झटका है ये, मतलब जो कानून जानते हैं सभी यही कह रहे हैं, और सबका ये कहना है कि बहुत जल्दबाजी से चारों को एक दिन में अरेस्ट कर लिया गया है, और इसीलिए ये झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी तो चार्जशीट पेश हो गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते सीबीआई। अब देखना ये होगा कि सीबीआई की जो टीम है अब क्या करती है, इस इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ी जो टीम है क्या हायर कोर्ट में वो मूव करते हैं कि नहीं, लेकिन संभावना यही है कि हायर कोर्ट में जाएगी सीबीआई, और ये कितना जल्दी हो रहा है अब ये देखना होगा। कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलेंगे फरहाद हकीम। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि चारों लोग इस वक्त ये कहाँ हैं और कब तक हम इन्हें बाहर आते हुए देखेंगे? देखिए, पेपर वर्क अंदर चल रहा है और पेपर वर्क के बाद ही चारों जो नेता है बाहर आएंगे। ममता बनर्जी भी यहाँ 6 घंटे अंदर 15th फ्लोर में ममता बनर्जी पहुंची थी, और उसके बाद 6 घंटे के बाद वो चली गई, और उनके साथ जो तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ आए थे निज़ाम पैलेस के बाहर वो भी चले गए, और लेकिन बाहर जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है और ये जो तीन जो नेता है, दो मंत्री और एक विधायक, ये काफ़ी सुपर हैवीवेट नेता है, और इसीलिए इनके जो तमाम समर्थक है कोलकाता के अलग अलग प्रांतों से यहाँ पहुँच गए थे। पूरे दिन भर यहाँ जो ड्रामा देखने को मिला, शायद ही ये किसी को पता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद जो हिंसा फैल गया था पूरे पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर काफ़ी विवाद चल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये आज सुबह से जो हुआ, पूरे दिन भर जो ड्रामा चला या निज़ाम पैलेस में सीबीआई के दफ्तर के बाहर, उसके बाद सुबह अरेस्ट, शाम को बेल, लेकिन आप जो कह रहे हैं
कि क्या ये झटका है सीबीआई के लिए? निश्चित तौर पर एक झटका है। और ऐसे में क्या सीबीआई सूत्रों की तरफ से कुछ जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार ये जो कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई, जिस तरीके से पूछताछ भी की जा सकती थी, लेकिन सिर्फ पूछताछ नहीं, उसके बाद सीबीआई गिरफ्तार करती है, गिरफ्तारी होती है इन लोगों को और फिर अदालत से जो जमानत मिल गई है, तो सीबीआई की इस कार्रवाई के पीछे का औचित्य क्या था? किस आधार पर सीबीआई ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था? सीबीआई का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? ये कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए पांच साल पुराना मामला है, तो पूछताछ तो इससे पहले कई बार हो चुका था। पूछताछ की बात नहीं है, आज चार्जशीट पेश करना था और चार्जशीट पेश करने से पहले इनको गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ ज़्यादा कुछ आज किया नहीं गया, मतलब बेसिक कुछ हो सकता है, लेकिन इससे पहले पाँच सालों से पूछताछ चल रही थी। लेकिन चार्जशीट जैसे ही पेश किया गया तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बैनर्जी जो लॉयर है, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चार्जशीट पेश हो गया है तो क्या ज़रूरत है इनको 14 दिन जेल कस्टडी में भेजने का? तो सीबीआई की तरफ से कहा गया है नहीं, ये जो एविडेंस है वो टेम्पर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रभावशाली चारों नेता हैं और इसका एक नमूना बाहर देखा गया। आज इतने भारी संख्या में जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहाँ पहुँचे थे, यही नमूना है और इसको सामने रखते हुए ये कहा गया था। लेकिन इसको खारिज करते हुए बाद में इनको बेल मिल गया सेशंस कोर्ट से और ये कहा गया है कि अभी ज़रूरत नहीं है इनको हिरासत में रखने का, क्योंकि चार्जशीट पेश हो गया है और चार्जशीट जब पेश ही हो गया अब जी अभी क्या जरूरत है, तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुंतल चक्रवर्ती इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त सीबीआई को बड़ा झटका, आज ही सीबीआई ने सुबह इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दो मंत्री हैं ममता सरकार के और बाकी टीएमसी के बड़े नेता ममता बनर्जी की, ये चारों ही लोग करीबी माने जाते हैं। शाम होते होते चारों को अदालत से जमानत मिल गई है।